प्रेम से बोलो जय माता दी। आज शुक्रवार, हिंदी शुक्रवार। आज मैं आपको शरणागति के बारे में बोल रही हूँ। यू नो वी हैव फेथ इन गॉड बट वी डोंट ट्रस्ट गॉड। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड ट्रस्ट। वी हैव फेथ इन हर, आई हैव फेथ इन हर, बट आई डोंट ट्रस्ट हर। जस्ट मुंह से बोलती हूँ कि वो सब करती है, लेकिन मन ही मन में मेरा विचार चक्र चालू रहता है, अभी क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ। और अंतरात्मा में थोड़ा रहता है अभिमान कि मैंने किया, ये अभिमान रहता है। ये मुझे सिखाना था, माँ को मुझे ये सिखाना था कि आई एम द मास्टर ऑफ द गेम, यू आर नथिंग। ये मुझे बराबर मेरे भेजे में डालना था उसको, इसलिए उसने ये चमत्कार किया। देखो अभी मैं बताती हूँ, कई साल पुरानी बात है, मेरी ननंद की लड़की की शादी थी। हम टोटल 14 पीपल, 14 लोग दादर स्टेशन से पूना जा रहे थे शादी के लिए। उसमें एक 90 ईयर ओल्ड मेरी ननंद भी थी और मेरी पोती भी थी, 3 साल की, जो उठाने में तो बड़ी है लेकिन पैदल चलने में छोटी है ऐसी। और हमारा सब शादी का सामान दादर स्टेशन पर चढ़ने वाले थे हम। दादर स्टेशन कितने मिनट रुकती है? 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। 5 मिनट में हम, हमारा बोरिया बिस्तरा और 14 लोग, बाकी पैसेंजर तो अलग, हमारी फैमिली 14 लोगों की, कैसे जाएंगे? तो इसीलिए हमने सोचा कि मैं, मेरा बेटा, बहू, छोटी बच्ची और मेरी बूढ़ी ननंद, इतने लोग हम टैक्सी में इनका एक्सेस बैगेज लेके बीटी जाएंगे। पहले ही निकलेंगे, आराम से पहुँचेंगे और वहाँ सब सामान विमान रख के हम ट्रेन में, फिर हम दादर आने के बाद ये लोग हमें ज्वाइन होंगे। उनको सिर्फ चढ़ना है, उनके पास सामान ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोलो ना, सामान एकदम लगेज फ्री। इतना अच्छा प्लान किया, देखो हमने प्लान किया। ननंद को बोले, वो प्रभादेवी रविंद्र नाट्य मंदिर का सिग्नल है ना, वहाँ खड़ा रहना, वहाँ से हम पिकअप करते हैं तुमको। हाँ बोली वो, और वो जाके दूसरे ही सिग्नल पर रुक गए, नहीं उनके बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी वो, और बिल्डिंग अंदर है, सिग्नल बाहर है। तो जाके उसको लेके, उसका सामान लेके आए। उसमें कितना टाइम गया? आगे गए, आगे बढ़े तो लोटस सिनेमा वर्ली बंद पड़ी टैक्सी। टैक्सी वाला बोलता है आगे नहीं चलेगी माँ, बंद, कुछ ख़राब हो गई है। तो दूसरी टैक्सी ढूंढी, उसमें सामान शिफ्ट किया, डाला। कितना टाइम चला गया उसमें, वेस्ट हुआ, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हुआ। तो अभी हम क्या करें, कैसे, जल्दी तो नहीं जा सकते, टैक्सी जैसे लेके जाएगी वैसे ही जाना पड़ेगा हमको। भैया जल्दी जल्दी बोलेंगे तो भी वो भी बेचारा कितना जल्दी लेके जाएगा हमको। वीटी स्टेशन पहुंच रहा। तो हमने प्लानिंग शुरू किया, अरे हम जाते ही ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फिर ये करेंगे। तो मेरा बेटा बोला, वहाँ व्हीलचेयर होगी ना माँ, व्हीलचेयर पे अक्का को डालते हैं और मैं तो बेबी को हाथ में लेता हूँ, सामान वो ट्रॉली होती है उसमें डालेंगे। अरे हाँ रे बाबा, डालेगा तू, लेकिन वो उधर रहना चाहिए ना। अभी एयरपोर्ट पर कैसे, सब ट्रॉलीज तैयार रहती है, व्हीलचेयर तैयार रहती है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होता। ये थोड़ा एयरपोर्ट है, ये तो है वीटी स्टेशन, क्या बोल रहा है तू, ये सब मिलेगा उधर? अभी आज गई ट्रेन, आज की ट्रेन तो गई, मिस हो गई। अभी मुझे ट्रेन की परवाह नहीं है रे, मैं बेटे को बोली, ट्रेन की परवाह नहीं है। वहाँ वो दादर स्टेशन में 14 लोग, हमारे 14 में नहीं 10 लोग चढ़ेंगे, अंदर आके देखेंगे, हम लोग ही नहीं हैं, तो कितनी उनको चिंता होगी कि क्या हुआ है।
हाँ ये लोग टैक्सी से निकले हैं, क्या हुआ रास्ते में? अच्छा ट्रेन तो चल चल जाएगी, हाँ चलेगी ट्रेन आगे, इनको उतरने को भी नहीं होगा, कुछ भी कर नहीं सकेंगे, कितने वरीड होंगे वो। और उस ज़माने में सेल मोबाइल कुछ नहीं था, फ़ोन करने की बात ही नहीं थी। थक गई मैं, थिंक कर कर के मैं थक गई। फिर मुझे इसकी याद आई, पहले याद नहीं आई, शायद उसी ने विस्मृति रूपेण संस्थिता, हाँ विस्मृति रूपेण वो मेरे दिमाग में बैठी थी, विस्मृति की उसने मुझे, अपनी खुद की यादें आने नहीं दी। इतना सब बोलने के बाद मैं बोली, अभी तो मैं थक गई हाँ, थिंक कर कर के मैं, विचार कर कर के थक गई, अभी मुझे तो डैडी की ही चिंता है, डैडी जी क्या करेंगे, हाँ ही इज सो इम्पेशेंट, ही विल इवन क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं, मुझे थिंक करके ही मुझे बहुत डर लग रहा है संतोष, मैं बोली। और ऐसे ही मैं बैठी और माँ को बोली, माँ अभी मैं थक गई, अभी तू जो करना है करो, तू जो करना है कर, मेरे सारे उपाय थक गए। और हम 5 मिनट पहले, ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले बीटी स्टेशन पहुंचे, तो मैं क्या देखती हूँ, क्या देखती हूँ मैं माँ, व्हीलचेयर, ट्रॉली, दो दो तीन तीन हमाल, उन्होंने हमें पूछा ही नहीं, टैक्सी खोली, सामान डाला, अज्जी को उसमें डाला और चल दिए। हम आगे जाते हैं, कौन सा कंपार्टमेंट है तुम्हारा, बोले और चल दिए। और मेरा लड़का बच्ची को लेके भागता है और हम लोग भी भाग रहे हैं, फिर भी हमारा कंपार्टमेंट बहुत आगे था, तो अब भी शुरू होने को 1 मिनट बाकी था शायद, मालूम नहीं मुझे। तो पहले कंपार्टमेंट जहाँ से वो ये शुरू होता है ना, जॉइनिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, मुझे कभी वो शब्द नहीं आता है, जहाँ से गाड़ी एक एक दूसरे को जॉइन होती है ना, वो पहला डब्बा जो था उधर आदमी खड़े थे, वो बोले तुम आप यहाँ इधर चढ़ना और फिर ट्रेन शुरू होने के बाद अंदर से आप आगे जाना। और हमको एक एक को ऐसे उठाना, हमाल ने उसको अज्जी को ऊपर डाला, सामान सब ऊपर फेंका, बाप रे। और जो हमने वॉकिंग शुरू किया गैंगवे से, सब लोग हमें देख रहे हैं, चार चार पांच लोग हम और सामान हमारा, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे। और मैं बोलूँ माँ कसम, हम जब ही दादर स्टेशन आया ना, तभी हम हमारा कंपार्टमेंट जो रिजर्व था उसमें जाके पहुँचे, और डैडी जी और ये सब चढ़े, उन्होंने हमें देखा, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ है क्या नहीं, इतनी चिंता उसको है, माँ को चिंता है हमारी, अरे मोहन डर जाएगा तो शायद अच्छा नहीं होगा उसके लिए, इसलिए मोहन के हमारे कंपार्टमेंट में हम जाके खड़े हुए और दादर स्टेशन हो आया, ट्रेन खड़ी हुई और ये लोग अंदर चढ़े। इसको बोलते हैं शरणागति, वो शरणागति परीक्षा लेती है हमारी, हमारी परीक्षा लेती है, डू यू ओनली हैव फेथ इन मी और डू यू ट्रस्ट मी। सिर्फ मुँह मुँह से बोलती है, माँ सब करती है, माँ है करके दिखा करके कुछ दिखा, विश्वास दिखा के दिखा, ऐसी है मेरी माँ, एक एक लेसन देती है लाइफ में, पहले तो हमें तकलीफ होती है लेकिन बाद में हाथ देती है वो, ऐसी है मेरी माँ, ऐसी है मेरी माँ। बहुत अच्छा लेसन मैंने सीखा और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं, वो ये नहीं चाहती है कि सब मेरे ऊपर डालो और तुम ऐसा बैठो, नहीं, शी विल हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स,
गॉड हेल्प्स दोज पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स. हमने इतना सब माथापोड़ी किया ना, करने दिया उसने, तमाशा देख रही थी मेरा. हाँ, ये कैसा डील करती है सिचुएशन से, क्या करती है, देखो देखो. सब तरह की परीक्षा ली उसने और फिर अपना अस्त्र छोड़ दिया. ऐसी है मेरी माँ, दयालु है, कृपालु है. अरे उसके कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं. प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी.